Welcome to MathSub, my dear student. In this video, we will learn about parametric curve tracing. Okay, Cartesian curve tracing, I have already uploaded all the video. अगर आपको वो Cartesian curve सीखना है तो link मैंने description में दिया है. You can go and watch that video. So, we'll start with the parametric curve. Okay, parametric curve में भी हम 5 points निकालते हैं. But यहाँ पर difference है. क्या difference है? कि यहाँ पे वो पांच पॉइंट्स में से जो इम्पोर्टेंस है वो ऑल फाइव पॉइंट्स की नहीं है. वी हैव ओनली डिटरमाइंड फ्यू पॉइंट्स और उसके बेसिस पे वी कैन ट्रेस दी कर्व. ओके, तो सबसे पहले समझते कि पैरामेट्रिक कर्व होता क्या है. तो पैरामेट्रिक कर्व क्या होता है? जब भी फंक्शन ऐसे गिवन होता है, कैसे, व्हेन एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ टी. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गिवन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू टी माइनस टी क्यूब बाय थ्री, राइट. तो यहाँ पर उन्होंने x और y दोनों को किसी एक अदर वेरिएबल का फंक्शन बोला है, से फंक्शन ऑफ t या फंक्शन ऑफ थीटा. दे मे गिवन लाइक दिस, x इक्वल्स टू कॉस थीटा, y इक्वल्स टू वन प्लस साइन थीटा. तो यहाँ पर x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा. तो जब भी इस टाइप के इक्वेशंस गिवन होते हैं तो हम इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशंस, जहां पर वेरिएबल इज डिपेंड्स ऑन सम अदर वेरिएबल. ओके, एक्स वाई जेड सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टी पर. मतलब एक्स किसका फंक्शन है? टी का. वाई किसका फंक्शन है? टी का. तो हम इसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन. और पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए अगर कर्व ट्रेस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक कर्व, राइट. अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं सिमेट्री की. यहाँ पर मैंने आपको बोला पांच पॉइंट्स निकालना है, लेकिन उनको निकालने का ऑल फाइव पॉइंट्स वी आर डिटरमाइनिंग. बट वंस यू डिटरमाइन सिमेट्री, ओके, एंड देन टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तीन पॉइंट निकालकर हम कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, राइट. तो सिमेट्री में हम कैसे देखते हैं? अब देखो, यहाँ एक्स और टी दोनों ही, एक्स और वाई किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टी पर. तो टी के चेंज होने से जो इफेक्ट पड़ेगा एक्स और वाई पे, उसके बेसिस पे हम सिमेट्री डिटरमाइन करेंगे, राइट. तो हम, मैंने यहां लिखा है टी चेंजेस टू माइनस टी इफ एक्स चेंजेस, ओके, एंड वाई अनचेंज. एक्सचेंजेस बाय साइन ओनली. एक्सचेंजेस का मतलब ये नहीं कि फंक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. फंक्शन अगर चेंज हो भी रहा है तो वो कैसे होना चाहिए? ओनली बाय साइन. सो इफ एक्सचेंजेस, वाई अनचेंज, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा? वाई एक्सिस. लुक एट दिस इक्वेशन. यहाँ इस इक्वेशन में देखो, अगर मैंने टी को माइनस टी से चेंज किया तो मुझे क्या मिलता है? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी का होल स्क्वायर. और यहाँ पर क्या मिलता है? वाई इज इक्वल्स टू माइनस टी, और ये माइनस टी का क्यूब बाय थ्री, राइट. तो एक्स अनचेंज्ड है क्योंकि इवन पावर है, और वाई में देखो चेंज हो रहा है. यहां मिल रहा है मुझे माइनस टी, यहां पर ये माइनस माइनस बिकम प्लस का टी क्यूब बाय थ्री. साइन माइनस कॉमन लिया तो फिर से मुझे क्या मिल जाता है? टी माइनस टी क्यूब बाय थ्री. मतलब क्या? वाई चेंजेस बाय साइन ओनली. ओके, तो इफ एक्स अनचेंज, वाई चेंजेस बाय साइन ओनली, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, राइट. हमें क्या ध्यान रखना है? जो भी चेंज होता है, जो भी अनचेंज रहता है कर्व, उसके अबाउट सिमेट्री होगा. हमने टी को माइनस टी से चेंज किया, वाई अनचेंज, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. एक्स अनचेंज, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. ओके, एक्स एंड वाई बोथ आर चेंजेस. जब भी मैं यहाँ चेंजेस की बात कर रही हूं, इसका मतलब है दिस इज चेंजेस बाय साइन ओनली. किससे चेंज हो रहा है? ओनली बाय साइन. देन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या फिर हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, राइट. सो दिस आर दी सिमेट्री. सिमेट्री में और एक पॉइंट है, टी चेंजेस बाय पाई माइनस टी. अगर हम पाई माइनस टी से चेंज करते हैं, पाई माइनस टी मतलब ये मोस्टली कहां पर काम आता है? जहां पर एक्स और वाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू वन प्लस साइन थीटा. तो जब भी यहां हम दोनों से मैट्रिक चेक करते हैं, एक बार टी को माइनस टी से चेंज करते हैं, एक बार टी को पाई माइनस टी से चेंज करते हैं. और यहां पर एक्स चेंजेस, वाई अनचेंज्ड. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन हम बोलते हैं कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. ओके, तो दिस आर द पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहां पर देखो,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ जो पैरामेट्रिक कर्व है वो एक्स वाई एक्सिस पे ही ट्रेस होता है राइट right? क्योंकि यहाँ एक्स और वाई एग्जिस्ट करता है, बस द थिंग इज दिस आर द फंक्शन ऑफ टी राइट। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हम कार्टेशियन में निकालते थे, एक्स इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, पर यहाँ एक्स इक्वल्स टू जीरो रखकर मुझे वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, टी की। वैसे ही वाई इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, टी की। तो व्हाट इट प्रेडिक्ट कि इस टी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक्स क्या होता है, जीरो होता है, मतलब पॉइंट कहाँ मिलता है, वाई एक्सिस पे। इस वाई इक्वल्स टू जीरो पे जो टी की वैल्यू मिल रही है वो क्या प्रेडिक्ट करता है कि टी की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे y जीरो है, मतलब जो पॉइंट है वो मुझे कहाँ मिल रहा है, x एक्सिस पे। एज यू नो कि हमें x एक्सिस पे y जीरो होता है, y एक्सिस पे x क्या होता है, जीरो। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ t। सी दिस एग्जाम्पल अगेन, यहाँ मैंने x इक्वल्स टू जीरो रखा तो मुझे क्या मिलता है, t इक्वल्स टू जीरो। वॉट इट सेज कि t इक्वल्स टू जीरो पर x क्या है, जीरो। वैसे जब मैं यहाँ पर y जीरो रख रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, t माइनस टी क्यूब बाय थ्री, मतलब t इक्वल्स टू टी क्यूब बाय थ्री, एक t कैंसिल हुआ तो मुझे क्या मिलता है, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री, t इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट थ्री। ओके, तो व्हाट इट सेज कि t इक्वल्स टू रूट थ्री पर y क्या मिल रहा है, जीरो। दिस वे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं एक्सिस पे, पर किसके लिए मिल रहे हैं, फॉर द वैल्यू ऑफ t। ओके, लाई ऑन ओरिजिन और नॉट ये हर बार फिक्स नहीं होता है, इट डिपेंड्स। तो हम कुछ पॉइंट्स लेंगे और उसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इट विल लाई ऑन ओरिजिन और नॉट। ठीक, अब देखो t इक्वल्स टू जीरो अगर मैं रखती हूँ यहाँ पर तो मुझे x भी जीरो मिलेगा, y भी जीरो मिलेगा। तो t इक्वल्स टू जीरो इज द पॉइंट वेयर वी गेट x एंड y एज जीरो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हमको सिंपली एक टेबल बनाना है। ओके, और उस टेबल में हम क्या लेंगे, टी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। सो बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग टेबल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेंजेंट हियर। सी, टेंजेंट जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स ही होता है यहाँ पर भी। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन में कैसे होता था, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स या एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई होता था, वी कैन डिटरमाइन डी वाई बाई डी एक्स। बट यहाँ पर तो एक्स किसका फंक्शन है, टी का, y भी किसका है, t का, और मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, dy by dx की। तो हम ये कैसे निकालते हैं, हम तो y और x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y को x के रिस्पेक्ट में यू कैन नॉट डिफरेंशिएट क्योंकि y तो किसका फंक्शन है, t का, x भी किसका फंक्शन है, t का। तो यहाँ dy by dx हम कैसे निकालते हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए वी राइट इट लाइक दिस, dy by dt, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, dy by dx, जो हमारा क्या है, टेंजेंट, राइट। अब देखो dy by dx के लिए हम वही वैल्यूज यूज करते हैं जो कार्टेशियन में की थी। क्या, अगर मुझे dy by dx एट सर्टेन पॉइंट्स x1 y1 जो भी मुझे पॉइंट मिलते हैं उस पर अगर वैल्यू जीरो मिलती है, देन द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एट दैट पॉइंट। अगर इंफिनिटी मिलता है तो टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, इट मेक्स एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस। अगर निगेटिव मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, इट मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मोस्टली तुम्हें टेंजेंट जो ड्रॉ करने हैं वो जीरो और इन्फिनिटी के लिए ही करने हैं। अगर मान लो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू भी मिलती है तो तुम उसके लिए टेंजेंट ओमिट कर सकते हो। जहां पर तुम्हें जीरो इन्फिनिटी मिल रहा है उसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करो और कर्व ट्रेस करो, राइट। सो दिस आर द पॉइंट्स, सिमेट्री निकालेंगे हम, फिर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक बार ध्यान रखो, एक्स और वाई दोनों टी के फंक्शन है, तो दो पॉइंट्स तो मुझे कैसे मिल गए, एक्सिस पे। एक बार एक्स जीरो रखा फॉर वी गेट सम वैल्यू ऑफ टी, एक बार वाई जीरो रखा वी गेट सम अदर वैल्यू ऑफ टी, राइट। और दूसरा क्या चेक कर लो कि वो ओरिजिन पे लाई करता है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, ओरिजिन पे लाई मतलब एक्स और वाई दोनों जीरो होने चाहिए पर किस पे, टी की एक ही वैल्यू पे। तो देखो यहाँ टी की वैल्यू, अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया था यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू टी माइनस टी क्यूब बाय थ्री, अगर मैं टी की वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम रख रही हूँ जीरो और उस पर मुझे एक्स और वाई क्या मिल रहा है, जीरो जीरो। तो ये टी की एक ही वैल्यू पर जब दोनों एक्स और वाई जीरो होंगे तो वहां पर कर्व लाई ऑन ओरिजिन, अगर नहीं तो कर्व डज नॉट लाई ऑन ओरिजिन।
बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या वैल्यू रखे क्या नहीं रखे, तुम्हें सारा कुछ सिमेट्री से समझ में आ जाएगा। अगर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो तुम्हें कितने पॉइंट्स निकालने हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई है तो कितने पॉइंट्स निकालने हैं। अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री गिवन है तो हम 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ऐसी ही वैल्यूज कंसिडर करते हैं मोस्टली। ओके, तो दिस वे यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड द लास्ट पॉइंट इज यू हैव टू मेक दिस टेबल जहां हम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स निकालेंगे, वाई निकालेंगे और डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। और ये टेबल के हेल्प से हम डायरेक्टली कर्व क्या करेंगे, ट्रेस। तो देखो यहाँ पर बेसिकली हम कर्व ट्रेसिंग में पांच पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, सिमेट्री, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट, एसिम्प्टोट एंड रीजन ऑफ एब्सेंस। यहाँ पर मुझे कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, सिमेट्री, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड टेंजेंट, राइट। और इन तीनों का टेबल फॉर्म करना है, टेबल फॉर्म करके हमें क्या करना है, कर्व ट्रेस करना है। तो क्या हमें वो दो पॉइंट्स यहाँ लिखने नहीं है, एसिम्प्टोट्स और रीजन ऑफ एब्सेंस? तो यस वी डेफिनेटली राइट, एसिम्प्टोट्स डेफिनेटली नो, लेकिन हम रीजन ऑफ एब्सेंस लिखते हैं। रीजन ऑफ एब्सेंस कैसे लिखते हैं, जब हम कर्व ट्रेस कर लेते हैं तो वो किस रेंज में लाई कर रहा है, किस रेंज में लाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसका रीजन लिखेंगे, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक कर्व। ओके, इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द ऑल सॉल्व्ड क्वेश्चन इन माई वीडियो लेक्चर्स।